अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सा सूजी का हलवा, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। ये कप है मेरा 250 ml का कप है, इससे हम 2 कप लेंगे रवा। एक बाउल में हम पहले रवा डालेंगे, मैं ये 1 कप डाली 250 ml का और ये एक 250 ml का दूसरा कप, यानी कि ये हो गया हमारा 1/2 kg रवा। 1/2 kg रवा में हम डालेंगे 1/2 kg मिल्क पाउडर, कोई आपकी पसंद से कौन सा भी ले सकते हैं आप, अमूल का है या नीडो है। ये हो गया, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। इसको आप अच्छे से पहले ड्राई मिक्स कर लीजिए। अब हम इसको जो है हमको एक लिक्विड जो है इसका हमको एक पेस्ट बना लेना है लिक्विड। तो इसको अब हम पानी ऐड नहीं करेंगे, हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध देखिए, मैं ये कप से जो है समा 300 ml है, एक कप है ये, इससे मैं 300 ml पहले दूध डाल के फिर मैं मिक्स करके देखूंगी कि ये बस हो जाता है या नहीं। इसमें नियरली 1/2 लीटर मिल्क भी, इसमें 1/2 लीटर लगेगा हमको। ये 300 ml मैं डाली हूँ, ये देखिए इसमें और थोड़ा लगता, तो मैं और थोड़ा दूध डालूंगी इसमें। ये एक 500 ml हम दूध डाले इसमें, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, इसमें लम्स नहीं रहना इसमें, इसको अच्छा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे हम इसका। ये देखिए इस तरह से हमारा ये बैटर रेडी होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है और ये इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रहना। एक हमारा एक बगोना रख लिया हम नॉनस्टिक का। अब इसमें जो है मैं, ये जो है 300 ml का कप है, इससे मैं ये 1 कप घी डाल रही हूँ इसमें। अब देखिए इसमें हमारा जो बैटर था मिक्स कर हम बना लिए थे इसको, वो इसमें डालेंगे हम घी में। यहाँ पे जो है मेरा गैस जो है बिल्कुल ऑफ कर दी मैं, नहीं तो अगर फिर हम डालते रहेंगे इसमें लम्स जल्दी आते, फिर आपको डबल मेहनत हो जाती। तो मैं इसका बिल्कुल भी फ्लेम ऑफ कर दी मैं, ऑफ करके पहले मैं इसमें जो है ये बैटर पूरा मेरा डाल दूंगी मैं। अब हम इसको हिलाएंगे, हिलाते रहेंगे अब हम, चूल्हा ऑफ रख के हिलाना है माकू, ताकि ये जो घी है ना पूरा इसके अंदर पूरा अब्जर्व हो जाना, जब तक हम इसको अच्छा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए और हम वही 250 ml के कप से 1 कप शुगर डाले और बाद में फिर हम टेस्ट करके डालेंगे शुगर इसमें और लगती क्या। आप चाहे तो इसमें शीरा बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट शुगर डाली इसमें, ताकि ये लम्स अगर रहे भी तो शुगर से जो है उसके लम्स पूरे मेल्ट हो जाते हैं। तो हम हिलाते रहेंगे अच्छा, जब तक कि अभी हमारा जो घी, हम जो घी डाले थे वो घी पूरा हमारा रवे में अब्जर्व हो गया। अब हम इसको इतना हिलाना है कि वो वापिस से वो घी बाहर निकल के आ जाना। तो इसको कंटिन्यूसली आप हिलाते रहिए, नहीं तो लम्स आ जाते इसमें। और चूल्हे का फ्लेम जो है आप बिल्कुल कम पे कर दीजिए, सिम पे रख के इसको हिलाइए। अब मुझे ना यहाँ पे थोड़ी सी शक्कर कम लग रही है, तो मैं और थोड़ी सी शक्कर, नियरली 100 ग्राम के करीब में शक्कर डाल रही हूँ। पहले मैं 250 ग्राम डाली थी, अब और 100 ग्राम के करीब में इसमें शक्कर ऐड कर रही हूँ। देखिए इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहिए आप इसको।
थिक हो रहा बैटर, ये देखिए आप। और इसका फ्लेम बिल्कुल कम पे है, सिम पे है बिल्कुल इसका फ्लेम। आप इसका फ्लेम बिल्कुल मत बढ़ाइए वरना इसमें दाग लगने के चांसेस ज़्यादा रहते। इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है लेकिन ये माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनता और बहुत हेल्थी है ये। खास करके सर्दियों में आप अपने बच्चों को खिलाइए, आप खुद भी खाइए, बहुत ताकत इसमें। लेकिन आपको इसमें है ना कंटिन्यूसली हिलाना है, एक मिनट के लिए भी आप इसका स्पून आपको छोड़ आप स्पून को छोड़ नहीं सकते। आप कंटिन्यूसली हिलाना है आपको जब तक इसमें से घी रिलीज नहीं हो जाता। अब ये स्टेज पे आप जो है आप फ्लेम को बढ़ा दीजिए आप, क्योंकि ये मेरा नॉन स्टिक का है वेसल तो इसमें लगने के चांसेस कम है, इसलिए मैं फ्लेम बढ़ा ली। अगर आपने एल्यूमिनियम के वेसल में पका रहे हैं तो आप थोड़ा सा एहतियात बरत लीजिए। अभी देखिए मेरा ये जो है ना पूरा हलवा एक जगह हो गया। अब यहाँ से जो है इसमें घी रिलीज होना शुरू होता है अब, मगर कंटिन्यूसली हम इसमें हिलाते रहेंगे। आप बीच बीच में शुगर चेक कर लीजिए, अगर आपको शुगर कम दिख रही तो आप इस कर लिए पोजीशन पे भी आप जो है शुगर ऐड कर सकते हैं। आप कुछ नहीं होता उससे कि सिरप ही डालना है, चाशनी बना के डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी डाल सकते शुगर इसमें। अब ये देखिए आप, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ स्पून से, लेकिन ये इतना कुक हो गया कि स्पून को भी नहीं लग रहा है। आप ये देखिए स्पून को भी स्टिक नहीं हो रहा है, स्मूथली निकल जा रहा, और वेसल को भी जो है ये स्टिक नहीं हो रहा है, ये साइडों से छूट रहा है, ये पूरा इसका घी पूरा रिलीज हो रहा है, देखिए आप साइडों से। अब हम इसको जो है एक इस तरह से इसको एक जगह कर सकते हैं आप, ये देखिए। अब यहाँ पे आप स्पून मत हिलाइए, स्पून से मत हिलाइए आप, बस वेसल को आप थोड़ा सा घुमाते रहिए इस तरह से, जिस तरह से हलवाई करते ना उस तरह से आप इसको ना घी भूनते रहिए। घी आने के बाद में भी थोड़ी देर भूनिए तो ये रवा, इसका जो रवा है ना ये एकदम रुई के जैसा सॉफ्ट हो जाता। आप इसको छोड़िए मत कि घी रिलीज हो गया चलो खत्म हो गया स्टॉप कर देना, नहीं, घी आने के बाद में भी आप थोड़ी देर इसको भूनिए चूल्हे पे। ये देखिए अब ये रेडी हो गया हमारा हलवा। ये देखिए घी भी रिलीज हो गया इसमें से। अब हम हमारे स्टोव को बंद कर लेंगे, ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर इसको रख देंगे ऐसे। तो चलिए हमारी डिश रेडी हो गई, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बनाइए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना। तो मैं मेरी वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।